So, तो मैं हमेश और आप देख रहे हैं जोशी ब्लॉग्स। सो गाइस, आज हमारी 5 अगस्त 2022 और अभी सुबह के बज रहे हैं ठीक 6:50 तो फिलहाल मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ और अब जाने से सबसे पहले सेंटर में जाता हूँ अपने, और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही, जिसने पुराने ब्लॉग देखे हुए नहीं देखे तो जाके देख रहे, वीडियो अपलोड हो चुकी है पहले से ही। और वेट किस बात कर रहे, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। फिलहाल जाना है स्कूल में DMC लेने के लिए, और एक और चीज़ होगी जो शाम के 4 बजे होगी, वो हमारी काउंसिलिंग का रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं फिर फिलहाल क्या होता है। सो गाइस, अभी सड़क पे यहाँ पे बारिश भी हुई है, देखिए थोड़ी थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई नहीं। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग अड्डे पे खड़े हैं, अभी चलने का टाइम आ गया DMC लेने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारे स्कूल के, ब्रिलियंट स्टूडेंट यमराज, और उसके साथ सबसे बड़े चिमकांडी आशीष, और ये तो पता नहीं किससे बातें करते रहते हैं, हमें बताएंगे अभी। और ये तो आपको पता ही है, इनका सावन की दुआएं लेती है जा तुझके सुखी संसार मिले। सो गाइस, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई की दुकान में, बेशरम बहुत ज्यादा है हमें अभी शर्म आई थोड़ी बहुत ही, तो सोचा कुछ मिठाई वगैरह ले जाते हैं, तो बस चलते हैं फिर देखते क्या लेंगे। मस्टैंग है, सो अमेरिकन बेकर्स, क्या नाम है, कौन सी है, बीकानेर, चलते हैं। फाइनली हमने मिठाइयाँ वगैरह ले चुके हैं बीकानेर स्वीट्स से, ये लिया, और यही जगह आएगा प्रिंसिपल मैम और सारी मैडम को, यही जगह इसी को आगे भेजेंगे। और हमारा सबसे महान चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसकी सुनो क्या कहते हैं, वहाँ पे 200 रुपए का नोट दे के आया, 80 रुपए इसने गूगल पे कर दिए, और वहाँ पे जाके कहते हैं 20 रुपए दे दो। नहीं यार वीडियो में नहीं डालना ना, अब तो डालूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अगर आपको इसे अकाउंट सीखना है तो आप इसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, नीचे शो हो रहा होगा आपको। A few moments later. अभी हम लोग स्कूल में पहुंच चुके हैं सारे के सारे, और अभी बाहर ही एक बुरी खबर मिली हमें कि प्रिंसिपल मैम आए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डब्बे के कारण जा रहे हैं आज हम, तो चलते हैं फिर और देखते हैं फिर क्या होगा। सो गाइस, फाइनली अभी हम स्कूल में मिठाइयां वगैरह बांट के आ चुके हैं, और अब बांट के साला चोरी हो गया मिठाइयां सारी, नहीं मैम को, मैम वगैरह को बांट दी हमने, और उसके बाद फिर अब फिलहाल अपना ग्रुप आ गया, अपना ग्रुप आ गया, अब कहीं खाने पीने के लिए जाते हैं आराम से। और बाय द वे, बात एक ये हुई थी हमारे साथ कि आज हमारी मैम तो है नहीं, प्रिंसिपल मैम आए हैं, तो सिग्नेचर न्यू ईयर DMC में कल तक हो जाएंगे। बाकी हम लोग किसी रेस्टोरेंट पे जाने की सोच रहे हैं ना, रेस्टोरेंट नाम की चीज है, मतलब वहाँ पे जाएंगे आराम से खाएंगे पिएंगे और आएंगे। आज हमारी किस्मत एक कह रहा हमें टाइम लगेगा, इधर वाला कह रहा कि सिलेंडर खराब हो रहा, बर्गर खा लो, खत्म हो खराब हो रहा कह रहा हूँ, आगे आगे जाते हैं। और बैठे हैं इनके साथ, वो गेमर बैठे हैं हमारे सामने, और इंस्टाग्राम क्वीन आशीष के साथ। फिलहाल हमारे पिज्जा कॉम्बो आ चुका है, 5 पिज्जों का, वो भी इतना मारना जो जिन्होंने पूरी मिर्ची मिर्ची डाल डाल के खत्म कर दिया, और कपिल हमारी कोकड़े ले गया। सो गाइस, फिलहाल सब लोग रेडी हो चुके हैं खाने के लिए, चलो करो आराम, शुभारंभ करो। A few moments later. तो गाइस, फिलहाल हमने खा पी लिया है, और एक प्लान है, पैसे दिए बिना एक एक करके खिसक लेते भाई, मैं सही कह रहा, पैसे हैं तेरे पास, हैं पैसे, मैं चल रहा एक एक करके, पहले तू निकल फिर मैं निकलता हूँ, चल 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 चलते, अभी कोई भी नहीं है देख ले, पूरा खा लिए, चलते फटाफट। सो गाइस, फाइनली अभी खा पी चुके हैं हम लोग, और आज अगर हम में से कोई बिछड़ गया ये दिन याद रहेगा ना, और तो कोई दिन था नहीं याद रहेगा, तो फिलहाल चलते हैं और होप्स हो कि मिलेंगे। चलो ठीक है, ओके ब्रो, बाय, ओके टाटा, सी यू, सही है, बाय बाय ब्रो, ठीक है। इसी सब कुछ खाने पीने के बाद फिर हम लास्ट में जूस पी के घर की ओर आए थे, और जैसे यहाँ पे मोटरसाइकिल में दोस्त छोड़ के गए, उसके बाद जैसे पाई साइकिल फटाफट भाग भाग के, अच्छा ज़्यादा गीला नहीं हुआ, तो चलते फिर अंदर। So guys, फिलहाल शाम के 6:30 हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग दोबारा से बरवाला में। यार हमारी मतलब ना बैंड बजी हुई है बहुत गंदी वाली, पीस रखे हैं ऐसे ना कि ना हम किसी को बता सकते, ना हम किसी को छुपा सकते, मतलब हमारा लिस्ट में तो नाम आ गया जो आज आने वाली थी, पर अभी कह रहे हैं कि 10 तारीख को एक दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें उसमें आ गया तो काम बनेगा, और उसके बाद फिर स्कूल में बुलाएंगे, फिर काउंसलिंग होगी, और एंट्रेंस में जो कॉलेज में फिर जो पास होगा उसका आएगा भाई साहब, और जो लिस्ट है वो 10 तारीख को आएगी, और तब तक जो दूसरा कॉलेज है ना यहाँ का, जो हरियाणा का कॉलेज है, उसकी मतलब डेट खत्म हो जाएगी एडमिशन की,
तो फिर हमें उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अब उसका फॉर्म भरने के लिए दोबारा जा रहे हैं। तो चलते, फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजर हो रखा, आप देख सकते हैं बादल पूरे घने काले हो रखे, सारी रोड काली हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपना प्रोटेक्शन छाता वगैरह लेके आए, आराम से चलते फटाफट और देखते फिर क्या होता है। जादू हो रहा है, देखो आगे बारिश नहीं है और यहाँ पे बारिश है, उधर साइड बिल्कुल बारिश नहीं। ये बारिश में हमने कसम से हमारा कैमरा और छाता दोनों खोलने में टाइम लग गया, हमने खुद अपनी आंखों से देखा वहाँ से बारिश आगे से हमारी तरफ आ रही थी। गैस पहले हमारी बहुत बुरी तरह से बजी पड़ी है, बारिश इतनी तेज होगी एकदम से कि छाता भी नहीं रोक पा रहा है, देखिए है ना, छाता भी रोक पा रहा, तो थोड़ी सी यहाँ से बचाइए, देखिए कितनी जल्दी कितना पानी भर गया। मैं शॉर्ट्स तो पहनता ही नहीं। वैसे फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं वहाँ से, एडमिशन तो हो चुका है मेरा, बस ब्लड ग्रुप मैंने उसमें अभी अपना वो नहीं करा। आप लोग भाई मेरे को अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता सीरियसली, तो कल अब जाएंगे ब्लड ग्रुप चेक कराने, बाकी एडमिशन वगैरह करवा चुके हैं हम, मतलब फॉर्म भर चुके हैं और वहाँ पे तो हो ही जाएगा एडमिशन, वहाँ का तो पता है क्योंकि वहाँ का सब ये हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं। और ये देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे भी पानी भर गया यार, अभी इतनी थोड़ी सी बारिश में, यहाँ तो पूरा ही ज़्यादा ही भर गया। तो अभी घूम ही चलेंगे आराम से। सो गाइस फाइनली अभी आज हमारी कन्वर्सेशन चल रही है डर के ऊपर, तो ये सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग करने वाला, अगर इसके हाथ में मक्खी भी काट जाए ना तो भी ये डरता है। और ये बोलता है सांप ने काट लिया, मक्खी काट लेती है यार, ये ज्यादा हो गया ज्यादा नहीं मक्खी का यार, सच्ची बात है ये। तो और इनका कहना है कि तुम शेर से नहीं डरते, ना ना देखो सही बात, शेर से क्या डरना यार, तो फिलहाल इसे ये नहीं पता। और ये डरता किससे, कहता शेर सांप से, डरता सांप से नहीं, सांप तो गले में पाए हुए हैं, आधी रात में मेरे से बाहर निकलने एक दिन की बात होता गाइस। ये ना अगर इसको कोई बोल दे भाई उस ये फलाने अभी यहाँ पे फलाने घर में सांप था ना, आधी रात घर से ये बंदा भाई घर नहीं आया अपने, आधी रात में घर से यो कह दिए कि यहाँ तक आना, हाँ ये हो नहीं आ पाएगा, ये बस ऐसे ही बस लंबी लंबी छोड़ रहा है अभी कैमरे में, और भी लंबी लंबी छोड़ रहा। जब यहाँ पे सांप आया था ना तो इससे कहा था भाई जल्दी आता सांप आया हुआ है, ये बंदा अपने भी घर नहीं आया, उनके घर तो उनके घर अपने ही घर नहीं आया, अड्डे पे ही रहा था उस टाइम तक, यही है वो शख्स गौर से देखिए, गुस्सा मान गया क्या है, गुस्सा मान गया, मान ले फिर हमारी तरफ से हमारी वजह से मान ले गुस्सा। सो कैसी फाइनली बच चुके रात के पूरे 9, तो अभी फिलहाल अरुण और अमित और कमल अभी गए हैं, तो उनकी हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। कल अरुण को जाना है वहाँ पे अपना आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराने के लिए, 17 सेक्टर जाना है, क्योंकि इस साल ना पता नहीं क्या, और जितने भी अपने जितने भी इर्द गिर्द जितने भी दोस्त वगैरह सभी सरकारी काम ही टिके हुए हैं, मतलब हमारा भी वही है उनका भी वही है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिलहाल आई होप कि आपको उसके लोग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही नए लोगों के लिए आप सब्सक्राइब कर लिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, तो और यहाँ तक पहुँच लिया भाई फिर तो कर ही दो, अगर तुमने यहाँ तक देख लिया झेल लिया मुझे तो आगे भी झेल लेना। तो मिलते रहना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शेयर करना मत भूलना।